हेलो दोस्तों, दिस इज अजाज इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने थंबनेल से देख लूँगा, अगर आपके इसमें भी लो क्वालिटी कंटेंट वायलेशन, सेफ्टी वायलेशन, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो भाई ये वीडियोस आप ही के लिए है। भाई इनका मतलब क्या होता है और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें एक नया हैशटैग आने वाला है, उस पर आप वीडियोज़ बना के तुरंत रख देना। और एक फॉर्म भी आया है बहुत सारे लोगों को कुछ चैरिटी के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा सा हम जनरल बातें करते हैं, ठीक है? आपको टिकी के बारे में कुछ बताने वाला हो तो कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। भाई लास्ट तक देख लिया करो, 5-10 मिनट लगा कर अपना, ओके? अगर हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफी ऑसम बनाओ, भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, इसे वीडियो में आपके लिए बनाते रहता हूँ। हमेशा की तरह मोबाइल इस पर लेकर चलना ज़रूरी है, इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट। हो गया स्टार्ट। ये हमने कर दिए है वॉल्यूम कम। प्ले स्टोर पर जाते हैं, टिकी का देख लेते, कोई नया अपडेट्स तो नहीं आया है अभी, तो नया अपडेट्स नहीं आया। और जैसे कि आप भी जानते हो भाई, बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोगों को नहीं भी बुलाया गया था। बहुत सारे लोग गुस्सा भी है टीके की तरफ से कि भाई हमको बुलाया तो गया था पर हमें कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, क्योंकि लोगों ने 20-30 हज़ार रुपये जब खर्चा करके गए हैं कम टाइम में भाई 5-स्टार होटल में, तो उन्हें भी कुछ अवार्ड देना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग दिखे भी नहीं थे, क्योंकि जब लाइव इवेंट चल रहा था मैंने पूरा लास्ट तक देखा है, तो अच्छा रहा। बाकी थोड़े लोग गुस्सा भी है कि भाई हमें भी बुलाना चाहिए था, भाई हमारे भी तो ब्लू टिक मिल चुका है, पर अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो कम से कम आने का तो चांस मिलना चाहिए था। इस तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। चलो जान दो, हो गया टिकी का फर्स्ट इवेंट, उसके बाद सेकंड थर्ड भी होने वाला है, देखते हैं और क्या क्या नए नए चीज़ें लेकर आते हैं। इससे कर दे तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन। ये देखो, ये इनको भी नहीं बुलाया गया है, ये भी नहीं गए थे, हाँ ये दोनों गए थे। इसके कारण ये टिकी का मेन था लाइट वाइट, एक बॉक्स बना था, बॉक्स में लाइट था, उधर जाके लोग वीडियोज बना रहे थे, ठीक है? ये भी नहीं गए थे, ये दोनों मुझे नहीं दिखे थे वहाँ पे। दीपेश भी नहीं गया था, दीपेश को फर्स्ट रैंक मिला था, ठीक है, टैलेंट के ऊपर। तो बाकी ये यूसुफ, ये भी नहीं, हाँ रवि सागर, ये तो यही का डांस है, वो लोग जा रहे थे, ये दोनों भी गए थे, रवि सागर भी, ओके। हाँ ये छोटा नवाब, छोटी शिवानी, क्यूट शिवानी, तो ये लोग गए तो थे पर इनको अवार्ड नहीं मिला। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई कुछ फिक्स तो नहीं था पहले से टिकी का कुछ, मतलब ये इतने अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, इनको तो भी अवार्ड देना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी है। ये दीपिका राणा, ये भी गए थे पर नहीं, गए नहीं थे ना, अवार्ड मिला है। चलिए ये चीज़ तो मैं छोड़ देता हूँ। देखो ये इस तरीके से इनको भी मिल गया सोनल अग्रवाल को अवार्ड, इस तरीके से अवार्ड था। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है साइड में, मैं आपको बता दूँ, एक नया हैशटैग आने वाला है, हैशटैग होली, ऐसे हैशटैग रहता ना, हैशटैग होली करके, तो उस पर वीडियो ज़रूर बना लेना आप, क्योंकि जल्द से जल्द ये कभी भी रिलीज़ हो सकता है वाला हैशटैग, तो वीडियोस बना के आप रखोगे होली का, इनका इफेक्ट भी रहेगा, इफेक्ट का आप इस्तेमाल करके डायरेक्टली बनाकर अपलोड कर देना, क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा रहते हैं उनके तरफ से कुछ कुछ रहता है कि भाई आपको हम बैनर पे लगाया जाएगा, ये स्प्लैश किया जाएगा, ये शूट आउट दिया जाएगा आपको, तो इसके कारण हैशटैग होली आने वाला है, तो वीडियोज़ तैयार रखना। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, हाई वी विल होल्ड द थर्ड टिकी केयर चैरिटी इवेंट ZRZP कालुंद्र स्कूल मुंबई, 11 मार्च को इन्होंने एक इवेंट, टिकी ने और NGOs ने मिलके चैरिटी एक इवेंट किया है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको ये मैसेज आया, अगर उसने साइन अप करके पार्टिसिपेट किया तो उनको चैरिटी एम्बेसडर सर्टिफिकेट मिलेगा, और लोगों को आप भाई दे सकते हो कुछ डोनेशन देना चाहे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। टिकी पार्टनर विद अक्षय पात्रा, द नंबर 1 डोनेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया, चाइल्ड जिनके पास एजुकेशन फूड नहीं है उनको हम मदद करना चाहते हैं, तो ये कहाँ पर, उनकी लोकेशन भी गूगल मैप पे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सुबह 10 बजे 11 मार्च को चले आना, यहाँ पर आप क्लिक करना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं, जिनको आया है उन्हीं को जाना है, जिनको वो लोग इन्वाइट कर रहे हैं टिकी वाले और NGOs वाले के भी आप आइए। तो देखिए टिकी कलरफुल होली विशेष चैरिटी एम्बेसडर एप्लीकेशन फॉर्म मुंबई, साइड में दिखाई दे रहा, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको आ गया होगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। प्लेइंग विद चिल्ड्रन, ओके, बच्चों के साथ खेलना, सीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट ऑफ चैरिटी एम्बेसडर, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑनरेबल जॉब ऑफ चैरिटी एम्बेसडर, आप भाई एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, तो भाई यस पे क्लिक करना है आपको। हैव यू कंप्लीटेड 2 कोविड वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं आपको, हाँ बिल्कुल। एड फाइल वैक्सीन सर्टिफिकेट की आपको फाइल ऐड करना है, प्रोफाइल लिंक डालना है या फोन नंबर डालना है, टेलीग्राम नंबर डालना है आपको, डायरेक्टली रियल नेम डाल के आपको इसे सबमिट कर देना, ये आपका सबमिट हो जाएगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको टिकी पर लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर अगर लाइव दिखाई दे रहा है, देखिए एजेंसी की तरफ से बहुत सारे लोगों को लाइव मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आई एम एक्टर, इनको भी यहाँ पर लाइव मिल चुका है, ओके। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए 1030,
पर बहुत सारे लोगों को टिकी की तरफ से दिया गया है लाइफ और बहुत सारे लोगों ने एजेंसी से लाइफ ले चुका है। ये ग्रे टिक वाले, ये देखिए एजेंसी से मिल गया। ये वाइट टिक है, 815 सिर्फ इतने फॉलोअर्स है और डायरेक्टली इनके वीडियोज़ में भी कुछ खास नहीं दिख रहा, पर इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, एजेंसी से बात किया है। एजेंसी कुछ कमीशन लेती है, वो तो लेंगे भाई आपको जब दे रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार कलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इनको स्टार नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन स्टार का नहीं रहेगा, पर अगर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ तो इसमें स्टार का ऑप्शन इनको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, मैं क्या करता हूँ बैक करता हूँ यहाँ से लाइव ग्रेटिक वाइट टिक, इनको तो कोई भी टिक नहीं है, तभी भी इनको कोई भी टिक नहीं है, देखो दिख रहा कोई टिक, कोई भी नहीं है, तभी भी इनको लाइव दे दिया। मतलब टिक को थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि भाई एजेंसी के थ्रू लाइव मत दो भाई, जो डिजर्व करता है उनको लाइव दो। इस तरीके से लाइव का कचरा हो जाएगा, सभी लोगों को लाइव मिल जाएगा पैसे से, तो लाइव की अहमियत नहीं रहेगी, आप समझ रहे हो ना। तो चलिए सबको लाइव मिल रहा, व्हाइट टिक वाले आ रहे, ब्लू टिक वाले मुझे नज़र नहीं आ रहे, ग्रे टिक व्हाइट टिक वाले ज़्यादा दिख रहे। ब्लू टिक वाले जो रहते हैं उनको टिकी की तरफ से दिया जाता है और उनको अहमियत पता चलती है कि भाई हमने मेहनत की तब जाके टिकी ने हमको दिया है, और उनको किसी को भी कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। टिकी देता है तो भाई कभी आपका लाइव छीनेगा नहीं, पर एजेंसी के थ्रू एजेंसी बनोती आपका लाइव हट जाएगा। यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए मेरे को भी व्हाइट टिक दे दिया। भाई ये मेरा अकाउंट तो है नहीं, कुछ भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ उसमें व्हाइट टिक दे दिए। ऐसा कभी भी कोई भी टिक देंगे तो कैसा चलेंगे। यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा आपको क्रिएटर असिस्टेंट, यहाँ पर मैं जाता, अगर क्रिएटर हब यहाँ से भी मैं जाता हूँ, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बिकम व्हाइट, अच्छा मेरे को व्हाइट टिक, क्या बात है, हम दूसरे को ब्लू टिक दिलवा रहे हैं, हमको व्हाइट टिक दे रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइड वीडियोज दिखाई दे रहा है, देखिए रिस्की कब आता है, यू हैव नॉट फुलफिल द वेरीफाइड यूजर रिक्वायरमेंट 15 डेज, एक वैलिड वीडियोज, मैंने तो कोई वीडियोज नहीं डाला एक महीने का, 3-4 महीने हो गए, एक वैलिड वीडियोस डालना चाहिए और 5 वायलेशन नहीं होना चाहिए 15 दिन के अंदर। अगर 5 वायलेशन से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके 15 दिन तक रहेंगे, उसके बाद ही हट जाएगा। 15 दिन के अगर होता है तो रिस्की से आईडी आपकी फ्रोजन हो जाएंगी, तो इससे बचने के चांसेस अच्छे हैं कि भाई आप बचो ज़्यादा कर हो सके तो। यहाँ पर लो क्वालिटी दिखाई दे रहा है, कितने मिनट का, कितने सेकंड का वीडियो, 4 सेकंड का वीडियो, भाई कोई मतलब का नहीं ना, 4 सेकंड का लो क्वालिटी दे देंगे, ये भी 4 सेकंड का है, कंटेंट वायलेशन, सिर्फ मैंने हाई लिखा और सेंड कर दिया, 12 सेकंड लो क्वालिटी मैंने बोला है, 12 सेकंड से बड़ा वीडियोस होना चाहिए। अपरूट 15 सेकंड, 13 सेकंड, 7 सेकंड को अपरूट कर दिया क्वालिटी की वजह से कर दिया होगा, 9 सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट वायलेशन ये देखिए क्या हो गया, इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई होंगी शायद, तो यहाँ पर मैं फिर से की जा रहा हूँ, यहाँ पर पूरी दिखाई दे रहा है आपको, देखो कंटेंट वायलेशन, बच्चे की मैंने वीडियोज डाल दिया था, 10 सेकंड से कम डाल दिया था, तो सब में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। पर अगर मैं यहाँ पर फॉलोअर्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखो फॉर यू पे 0% जा रहा, पर मैं लाइव आया था जिसके कारण वहाँ से मुझे कुछ फॉलोअर्स मिले। तो ये सिनेरियो है कि आपको कहाँ से फॉलोअर्स मिलते हैं, फॉर यू पे आपके वीडियो जा रहे हैं वहाँ से फॉलोअर्स मिलते हैं, प्रोफाइल कोई आता है आपकी आईडी पर वहाँ से आपको फॉलोअर्स देखता है, दिखता है कि भाई इनकी आईडी अच्छी है, फॉलोअर्स लेता है। अदर अगर मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ तो व्हाट्सअप के थ्रू मेरे इसमें लोग आते हैं, मैसेज करते हैं, वहाँ से मुझे फॉलो करते हैं, तो लाइव से भी मुझे मिल चुका है, यानी मेरा ग्रेट व्हाइट टिक है वो मुझे लाइव दे दिया, यार मैं लाइव आया और डायरेक्टली यहाँ इनकी तरफ से मुझे मिल गया है, क्योंकि व्हाइट टिक वालों को भी लाइव मिल रहा है, तो लाइव से कुछ फैन फॉलोइंग्स बढ़ गई थी। तो इस तरीके से क्या रहता है, अगर आपके इसमें लो क्वालिटी आ रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पढ़ लीजिए लो क्वालिटी आपके इसमें क्यों आ रहा, फ्लैक्ट नॉट प्रमोट ऑन द फॉर यू पेज बिकॉज इट्स अ वायलेटेड, वायलेटेड है तो यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ दिखेंगी, ऑथेंटिक सो यूनिक टैलेंट दिखाना पड़ेगा, हाई क्वालिटी वीडियोस होना चाहिए, आपको वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, पिक्चर स्लाइड नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा आपका कवर नहीं होना चाहिए जो भी आप कुछ वहाँ पर टेक्स्ट लिखते हो, ओके, और आप जो भी वीडियोस डाल रहे हो विथ क्लियर मीनिंग, जो भी आप चीज़ बता रहे हैं साफ साफ बताइए, ओके, डुएट रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शन नहीं करना है डुएट में, डू नॉट पोस्ट वीडियो ऑन डुएट और रिएक्शन, ठीक है, ऐसे वीडियोस में डालो जिसमें पहले से डुएट या रिएक्शन किया हुआ है। डू नॉट पोस्ट द वीडियो जैसे हैक्सिंग फॉर द स्टार, बार बार स्टार मांग रहे ऐसे वीडियोज भी नहीं डालना है, और स्टार अप सामने में टेक्स्ट लगाते हैं ना वो भी नहीं लगाना है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें रहती है, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई हैशटैग होली का इस्तेमाल करना और इस तरीके से चीज़ों से बचना। तो यहाँ से मैं अभी तो कोई अपडेट नहीं आया, अपडेट आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसे कर दो तो बंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होता है, सब्सक्राइब माई चैनल लेजास इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।